कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपने हक के लिए अब तो जागो। नमस्कार, आमने सामने में आज हमारे सामने हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आपका आमने सामने में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1947 में आज़ादी के बाद पहली बार अलवर से कोई राज्य मंत्री बना है, तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील, खुशी या जिम्मेवारी? जिम्मेदारी। जिम्मेवारी इसलिए कि एक पहले बार एमपी को इतना बड़ा विभाग मिला है। अलवर की जनता का, राजस्थान की जनता का, देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है। और ख़ासतौर से अलवर की जनता को तो ये लगता है कि अब गृह मंत्री बन गए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए हैं, तो सारी समस्याएं एक दिन में दूर हो जाएंगे। आप पुरानी जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं अलवर की, तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में अपना एक रैपो बिल्ड करना, आप उसको कैसे कर रहे हैं? और भैया, हमें पता है आप जनता से जुड़े हुए हैं, बट उस लेवल तक आप कैसे पहुंचे? मेरी मदर ने हमें एक आम आदमी जैसे रखा, सब एक सब्जी और एक दाल के साथ जिंदगी भर खाना खाया है। स्कूल भी जाते थे तो पैदल जाते थे, मैं मसूरी में पढ़ता था, बारिश होती रहती थी, बर्फ गिरती थी, गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन पैदल पैदल स्कूल जाइए। मतलब उन्हें भी इस चीज़ की जिम्मेवारी का एहसास था? बिल्कुल था। जूते भी पॉलिश करने पड़ते थे, सारे लोग साथ में होते थे, लेकिन खुद करना पड़ता, सब काम खुद करना पड़ता था। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई रॉयल फैमिली में या किसी में जन्म लिया हो। क्योंकि एक बहुत एक मेजर पोर्टफोलियो है आपके पास, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स आते हैं, सेंटर का, स्टेट का, कैसे मैनेज करते हैं ये? अब ज़रूर थोड़ी सी, जब मैं विधायक था, जब तो मैं अलवर में ही रहता था, तो मैं दिन भर कहीं ना कहीं कोई गांव में, कोई ढाणी में, कोई वार्ड में, कच्ची बस्ती के अंदर घूमता रहता था, बहुत सारे कार्यक्रम करता था। लेकिन अब जिम्मेदारी आ गई है और देश भर में घूमना पड़ता है, बहुत सारे दिल्ली के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं जिनके अंदर समय देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं अपना शनिवार और इतवार, संडे और सैटरडे, ये दो दिन मैं कोई काम नहीं करता हूँ सेंट्रल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या संगठन का। मैं अलवर जाता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, दौरे करता हूँ, गांव में जाता हूँ, वापस कनेक्ट करते हैं, वापस कनेक्ट करता हूँ। आपने जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करी, उसमें मेवाट का एरिया काफ़ी आता है, जिसमें से कुछ एक एरिया है जो बैकवर्ड है, क्या सोचा है आपने उसके लिए? मेवात की सबसे बड़ी समस्या ये है कि देर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन। वहाँ एजुकेशन की प्रतिशत मेरे ख्याल से 10-15% होगी, वो मेरे ख्याल स्टेट एवरेज मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे कम होगी वहाँ, और ख़ास तौर से लड़कियों को नहीं पढ़ाते वो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम करें जहाँ लड़कियों को पढ़ाएं। इसके साथ हम जोड़ते हैं कि इस गाँव के हम कोई नई सड़क बनाएंगे या कोई नया प्रोजेक्ट देंगे, लेकिन सभी लड़कियों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हाल ही में हमने एक और नया कार्यक्रम चलाया है, जिससे जो इंडस्ट्री, क्योंकि अलवर इज़ वेरी हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड, इंडस्ट्री बहुत सारी है अलवर में जी। उनको हमने इन्वॉल्व कराया कि आप स्कूलों को गोद लीजिए, अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, टीचर लगाइए, और खास तौर से मेवा क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के कार्यक्रम करिए। तो बहुत अच्छे सेंटर इस तरह से चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि अगले कुछ सालों में साक्षर होंगी लड़कियां। इसके साथ साथ दो हॉस्टल्स, एक लड़कों के लिए हॉस्टल और एक लड़कियों के लिए हॉस्टल, जिसकी लागत लगभग 2-2 करोड़ रुपए है, उसको हमने अभी मेवात विकास बोर्ड से, मेरे खुद के जो एमपी का फंड होता है उससे मिलाकर हमने सैंक्शन कर दिया है। और अगले महीने ही उसकी शुरुआत हम करेंगे। अच्छा, एक कहीं रेलवे लाइन का भी तो बात हुई थी कि रेल लाइन भी धारूहेड़ा सोना इस वाले में, तो उसके बारे में क्या हुआ अभी? दो रेलवे लाइन के बारे में हमने प्रस्ताव भेजे हैं और प्रस्ताव में हमें कामयाबी मिली है। एक तो बुलेट ट्रेन जो सीधा दिल्ली से और अलवर आएगी, इंडस्ट्री वाले जो एरिया है, भिवाड़ी है, उसको पूरा कवर करती हुई अलवर तक पहुंचेगी। और उसके साथ साथ एक मेवात वाला, जिसमें फिरोजपुर, झिरका, सोना, वड़करी होते हुए, रामगढ़ होते हुए अलवर, वो एक पूरा मेवात हो जाएगा। तो दोनों के लिए एक तो सैंक्शन हो चुकी है हमारी इंडस्ट्री वाली,
रेलवे लाइन, बुलेट ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन होगी, देश में पहली ट्रेन होगी। तो वो डायरेक्ट चलेगी, कहीं नहीं रुकेगी बीच में? नहीं, बीच में जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ रुकेगी, जैसे आपके भिवाड़ी में है, किशनगढ़ में है, वहाँ तिजारा में, इन क्षेत्रों में रुकेगी। उसके साथ साथ सर्वे का काम उसका जारी है, जो मेवात वाली नई रेलवे लाइन है जो उसको कनेक्ट करेगी, उसको सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए वो गई हुई है। उसके लिए मेरे पूरे प्रयास हैं, हमारे भी हैं और हमारे जो साथी एमपी हैं। एक और ही प्रोजेक्ट आपने पीछे पर चर्चा करी थी कि सीआरपीएफ का भर्ती और ट्रेनिंग का सेंटर मेवात एरिया में खोला जाए, तो उसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं अभी? हमारा प्रयास है सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं जी, लेकिन और भी जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीएपीएफ जो हैं, उनके सेंटर्स हम मेवात क्षेत्र के अंदर और राजस्थान में भी खोले, जिसके अंदर एसएसबी है, उसके साथ साथ आईटीबीपी है, इन सबों के सेंटर्स हम के प्रस्ताव हमने मांग लिए हैं। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से जमीन के लिए भी, अलॉटमेंट के लिए भी चिट्ठी भेज दी है, जो चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है, और बहुत जल्दी जमीन मिलने के बाद वो सेंटर्स खुल जाएंगे। आप राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो टर्म्स निकाल चुके हैं, तो और अब आप यूनियन में, वहाँ पर जाके यूनियन मिनिस्टर हैं, यहाँ की सरकार का आप आकलन कैसे करते हैं? यहाँ की सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके बारे में मैं दूसरे प्रदेशों में भी इसकी चर्चा करता हूँ जी, और ख़ास तौर से जो पंचायती राज संस्थान हैं उनको मजबूत किया है। अभी कुछ एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आई हैं, जैसे भरतपुर में जो भी ताजा ताजा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भरतपुर में हुआ वो बहुत दुख की बात है, दर्दनाक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, इसीलिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को ट्रांसफ़र भी करा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। भरतपुर को ही लेकर आपके मेवाड़ क्षेत्र में एक महापंचायत हुई, दिग्गज भी पहुंचे, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के वहाँ भाषण हुए, वहाँ बात हुई, तो इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं थी। ये ज़रूर था कि लोगों के अंदर आक्रोश था जी, नाराज़गी थी कि हमारी, जब हमारी बात सुनी नहीं गई, उसके बाद इतना बड़ा एक हादसा हो गया, तो सरकार के सामने उनकी कुछ मांगे थी और वो मांगे सरकार ने पूरी की हैं। सवाल आपसे और भी बहुत सारे करने हैं, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी वापस आते हैं, देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जितेंद्र सिंह जी से। तो जितेंद्र जी, राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की चर्चा है, आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? ये मोर्चे तो बहुत सारे अधिकार है सबों का बनाने का, लेकिन असली मोर्चा तो जनता देती है, जनता किसको चुन के आती है, तो मुझे नहीं लगता नहीं है कोई परेशानी है तीसरे मोर्चे की। बात कहीं चर्चा चल भी रही होती, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा लोग राजनीति के अंदर आए उनका स्वागत है। हमारा राजस्थान प्रदेश ऐसा है जिसका बहुत सारा सीमा का क्षेत्र पाकिस्तान से लगता है, और यहाँ पर आतंकी गतिविधियों के ऊपर हमले भी होते रहते हैं, एक बॉम ब्लास्ट से हम गुजर भी चुके हैं। आपने यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे आंका है? आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है? कमी सिक्योरिटी के रूप में आती है, वो सिर्फ राजस्थान में नहीं, वो एक तरह से देश में आती है, कि एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकें, कौन अपराधी है, वो अपराध तीन अलग अलग प्रदेशों में कर रहा है, कि जब तक सूचना मिलती है जब तक उसके बारे में समय निकल जाता है। तो एक बहुत बड़ा कदम माननीय चिदंबरम साहब जो गृह मंत्री हैं उन्होंने शुरू किया था और जारी है अभी, उसका नाम है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। उससे लगभग 15,500 पुलिस स्टेशन पूरे देश में ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, और राजस्थान के सब पुलिस स्टेशन हैं उसमें इंक्लूडेड। तो एक गांव में बैठा हुआ, एक बाड़मेर के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ कोई क्रिमिनल, अब उसको शक होता है, किसी क्रिमिनल को पकड़ता है, तो उसको तुरंत वो कंप्यूटर से चेक कर सकता है कि उसने गुवाहाटी के अंदर या असम के अंदर या सिक्किम के अंदर उसने कोई क्राइम करा है नहीं करा है। अभी कुछ एक सूचना निकल कर आई थी एक मीटिंग में कि नक्सलाइट प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पुलिस वालों की वर्दी बदल दी जाए,
इसके पीछे क्या थिंकिंग, आई मीन व्हाट आर वी थिंकिंग ऑफ व्हेन वी आर डूइंग दिस, एंड इज इट रियली गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन? मतलब ये किस तरह एक सॉल्यूशन है? ये समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद क्यों फैल रहा है, क्यों नौजवान नक्सल की तरफ जा रहे हैं, नक्सलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा, इसका रूट कॉज को ही समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, प्रशासन है, उससे एक तरह से ट्रस्ट हट गया है। लोग को विश्वास नहीं है प्रशासन के ऊपर, नहीं है सरकार के ऊपर, नहीं है, इसलिए नक्सलिज्म की तरफ खास तौर से नौजवान जा रहे हैं। तो वो ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा, उसके साथ साथ पारदर्शिता लानी पड़ेगी। यूएस की रिपोर्ट आई थी राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, तो ये होगा आगे चल के लोकसभा इलेक्शंस जो आगे आएंगे, इज दिस गोइंग टू बी द बैलेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये यूएस से कोई सर्टिफिकेट लेना मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को जरूरत है। नहीं, बट क्या वो ये दिखा रहे हैं कि अब हम भूल चुके हैं वो दिन जब हमने उनको वीजा मना किया था, एंड वी आर सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी नाउ? अब देखिए, जहां तक अब यूएस की बात है, अब ये एक तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से जो अब एकदम से स्टैंड बदला है, मुझे दूर से ये लगता है कि अब लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज कमर्शियल कंसीडरेशन है। आपसे पूछते हैं, डू यू थिंक इट विल कम टू दैट? आई डोंट थिंक सो, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी एक आम आदमी के लिए उनके दिल में दर्द है। एक आम आदमी की समस्या, चाहे वो भट्टापुर सोल की हो, चाहे वो एनआरईजी की हो, सबसे पहले उनकी वजह से ही देश भर में एनआरईजी कुछ जिलों में चल रहा था और उनकी वजह से पूरे देश के अंदर लागू हुआ। तो वो जनता की समस्या, आम आदमी की समस्या को सरकार को के सामने उजागर करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आपको हैंडपिक करके लेके गए थे, आप पढ़ाएं आता है जितेंद्र सिंह, वेरी क्लोज पॉलिटिकल एड ऑफ राहुल गांधी जी। आपको लगता है कि जनता अब तैयार है उनको किसी एक मिनिस्ट्री या स्टेट संभालने के लिए देखने के लिए? कई जगहों से ये बात आती है कि राहुल गांधी जी को सरकार में आना चाहिए। हम भी सब निवेदन उनसे कई बार करते रहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि मैं अभी जो मैंने कार्य शुरू करा है, उन्हें युवा कांग्रेस और NSUI के अंदर पारदर्शिता लाकर एक डेमोक्रेसी शुरू करिए, रिजुविनेट करें और एक डेमोक्रेसी करिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसकी गहराई से कोई आप इसको आंकलन करें तो एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक क्या होता था, राजनीति और राजनीतिक पद सिर्फ बांटे जाते थे, प्री डिसाइडेड होते थे। मेरा कोई बहुत नजदीकी है उसको फला पद बना दो, मेरा कोई भाई है उसको कुछ दे दीजिए, मेरा कोई चमचा है उसको कुछ दे दीजिए, गिव एंड टेक वाला होता था। लेकिन उनने एक कम से कम पॉलिटिक्स के अंदर एक पारदर्शिता लाकर और उनने कहा कि ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई भी जीत के आएगा वो पद संभालेगा। तो राहुल जी का सबसे बड़ी एक बात यह है कि उनने वो महसूस करते हैं कि युवाओं को खास तौर से राजनीति के अंदर आना चाहिए, जब ही राजनीति के अंदर सुधार आएगा। अन्ना हजारे के लिए तो क्या मैं कहूंगी, अन्ना एंड हिज टीम और एंटी करप्शन के लिए देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बदलाव आएगा? मुझे लगता है बिल्कुल बदलाव आएगा, और भ्रष्टाचार से सब लोग पीड़ित हैं और खास तौर से गरीब लोग तो ज्यादा ही पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी बात कोई सुनता नहीं है। बड़े लोग, इंडस्ट्री वाले, वो पीड़ित हो सकते हैं लेकिन वो अपने काम हो ही जाते हैं उनके किसी ना किसी तरह से। तो जहाँ तक अन्ना जी का जो एक प्रकरण रहा है पिछले कुछ दिनों में, उससे एक जागरूकता पैदा हुई है आम आदमी के अंदर। लेकिन ये मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप सबों को कि आज भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे मामले खुलासा हुए हैं, चाहे वो CWG स्कैम हो, चाहे वो 2G के मामले हो, और चाहे अनेक मामले हर जिले के अंदर, हर गाँव के अंदर, प्रदेशों में हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई? RTI की वजह से। अगर RTI नहीं होता तो कोई भी स्कैम या कोई भी भ्रष्टाचार का कोई मामला उजागर नहीं होता। RTI के बारे में आपसे और जानकारी लेंगे कि आप उसको किस तरह से एज अ पावर टू द पीपल मानते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जितेंद्र सिंह जी से आमने सामने में बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आमने सामने में। आज हमारे सामने बैठे हैं जितेंद्र सिंह। RTI में आपको लगता है कि उसे जो फायदा होना चाहिए, जहां तक इसको पहुंचना चाहिए, वहां तक ये पहुंच रहा है इसका यूज? मुझे लगता है कि RTI
एक शुरुआत हुई आरटीआई की, और अभी पूरा उसका उपयोग हो नहीं पा रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैल रही है। आप यूनियन मिनिस्टर हैं राजस्थान से, तो डेफिनेटली देखिए स्टेट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई हमारा, जैसे आपने कहा अलवर की हैं, तो मैं तो कहती हूँ पूरे राजस्थान की हैं, तो क्या सौगात लाए हैं आप हमारे स्टेट के लिए? जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CISF है, BSF है, ITBP, NSG, जितने हमारे ये फोर्सेज हैं, अगले 3 साल के अंदर 4 सालों में हमें इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल करनी है, और तो इनका रिटेंशन भी इंक्रीज करनी जी, है, क्योंकि वो भी करना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये ज़रूर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के रूप में वो राजस्थान को मिले, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिले, और आज खास तौर से युवाओं को रोज़गार मिल सके और एक मौका मिल सके कि हम हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कुछ करके दिखाएं, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। एक आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। आपने जैसे बहुत सारा दिन समय निकला है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी, बेस्ट मेमोरीज जो आपको एनर्जाइज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, कौन सी हैं? जो समय मेरे परिवार के साथ और ख़ास तौर से मेरी मदर के साथ, मेरी लेट मदर के साथ जो मुझे बिताया, वो मुझे आज भी दिन में कई बार याद आता है। जैसे आपने कहा कि आपकी परवरिश में आपकी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो उनकी कौन सी एक जो सीख है जो आपको हमेशा याद रहती है और आप रोज उसको मतलब अपने ध्यान में रख के चलते हैं? सबसे बड़ी बात उन्हें सिखाई ईमानदारी की और सच्चाई की, और बचपन से ही, चाहे सबों क्या, सब लोग सोचते हैं कि ये राजघराने से हैं तो बहुत अच्छे समय से रहे होंगे, लेकिन समय बहुत कठिन समय से भी मैं गुजर चुका हूँ, और कभी भी ईमानदारी का मामला था, कभी भी उनने हरदम ये बात बताई कि आपको सबों को, सिर्फ जो कोई पूंजी आप में है वो ईमानदारी होनी चाहिए। और बहुत अच्छी सीख है जो उन्होंने आपको दी। आप ट्रैप शूटिंग में नेशनल्स तक खेले, तो फिर क्यों छोड़ दिया? लाइक या अभी भी कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं? याद आता है स्पोर्ट अपना? बहुत याद आता है। नेशनल मेडलिस्ट का एक मौका मिला, डॉक्टर राजपाल सिंह जी भड़ोत के मेरे गुरु रहे हैं और उन्हें काफ़ी मुझे शिक्षा दी, लेकिन अब समय की कमी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्योंकि बहुत सारे पैरामिलिट्री और ये सब सारे ट्रेनिंग सेंटर्स मेरे पास हैं, तो अब हर ट्रेनिंग सेंटर में जाके शूटिंग की प्रैक्टिस अब जारी हो जाएगी मेरी। आप अपने हॉबीज में ट्रैकिंग द हिमालयस भी लिखते हैं, फोटोग्राफी भी लिखते हैं, फ्लाइंग भी लिखता हूँ, फ्लाइंग भी लिखते हैं, किस चीज़ को कितना कब कर पाते हो? क्योंकि देखिए ये ज़रूरी तो है, बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए अपने के लिए जो आप करना चाहते हैं, नहीं तो दिमाग एक तरह से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और वही मेरे साथ आजकल हो रहा है। थोड़ा समय मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर जो हमारे जवान कश्मीर के अंदर या बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, या हमारी जो चाइना की सीमा पर जो भी हैं बैठे हुए हैं, जो आखिरी चेक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनसे जाके ज़रूर मिलूँ, क्योंकि उसको जाके मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम उसको एक फीलिंग होनी चाहिए कि भारत सरकार का कोई एक मंत्री मेरे पास आके मेरे साथ मेरे टेंट के अंदर एक दिन रह के गया है। क्योंकि बहुत टफ लाइफ है, घर परिवार से दूर वहाँ बैठे हुए आप बहुत एलिनेटेड फील करते हैं। बिल्कुल, बहुत है। तो कम से कम वहाँ जाऊँगा तो मुझे भी एक शांति मिलेगी आज के दूर, और कम से कम उसको जाके मैं मोटिवेट कर पाऊंगा। ये मेरा एक तरह से रिक्रिएशन और पास टाइम रहेगा अगले कुछ सालों तक। सीमा पे जो हमारे जवान हैं, चाहे वो कहीं की भी सीमा हो, चाहे हम लोग चाइना की तरफ देखें, जम्मू कश्मीर में देखें, राजस्थान में देखें, बहुत टफ कंडीशंस के अंदर रहते हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार कुछ और सोच रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कई बार जा चुका हूँ बाड़मेर के बॉर्डर पर, जोधपुर के पास इलाकों के अंदर, जहाँ BSF के जवान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर में एक टिन के नीचे पड़े रहते हैं, हफ्ते भर में पानी आता है एक हफ्ते बाद, और वो भी साफ़ पानी नहीं होता है, अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, ना टेलीफोन का कोई संपर्क होता है उनको, 6-6 महीने 8-8 महीने तक छुट्टी नहीं मिलती है, उनका परिवार के अंदर कोई डेथ भी हो जाए तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो काफ़ी एडवर्स कंडीशंस के अंदर रहते हैं,
और एक तरफ दूसरी तरफ बर्फ बर्फीली इलाके में, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो चाहे त्रिपुरा के पास का इलाका हो, वहाँ एक मैं तो जो हमारे जवान हैं उनको सलूट करूंगा कि इस कंडीशन में देश मुझे के लिए रहना वहाँ खड़े देश के हैं लिए खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। जी। तो उनकी जो सर्विस कंडीशंस के लिए हमने अभी एक मीटिंग भी ली है, बात भी करी है सभी पांचों छह CAPF से, और उनका उनके लिए समय समय छुट्टी मिले, टेलीफोन की व्यवस्था हो, जी। और ख़ास तौर से राज्य सरकारों को हमने निवेदन किया है, और व्यक्तिगत रूप से मैं खुद राज्य सरकार ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके के अंदर, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के पास मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि जो CRPF के हमारे जवान उन कंडीशंस के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए कमरों की टॉयलेट्स की व्यवस्था वहाँ हो। क्या सपना देखा है आपने? मेरा सिर्फ सपना यह है कि जो काम मुझे दिया जाए गया है, या चाहे सेक्रेटरी IC के रूप में, चाहे अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के रूप में, मैं कोई बदलाव ला सकूं, ये मेरा सपना है कि मैं कोई इम्प्रूवमेंट कर सकूं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक यूनियन मिनिस्टर बन गए तो कोई आपका कद बहुत बड़ा बन गया है, कोई लाल बत्तियां लग गई और आपने सामने कमांडोज हो गए, गाड़ी हो गई, लेकिन इस तरह से मैं नहीं देखता हूँ। मैं इसको एक जॉब की तरह से देखता हूँ, जैसे आप एक काम आपका जॉब है वैसे ही एक मेरा भी जॉब है उस काम को पूरा करना है, और उसको कितने बेहतर रूप से आप कर सकें यही मेरा एक सपना है। लेकिन आपकी होम मिनिस्ट्री तो बहुत वास्ट स्ट्रक्चर है और इसको कुछ कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, तो कुछ उसमें भी आप सजेशन मैं आपके? मैं बिल्कुल मैं उसके लिए इसीलिए मैंने किसी भी काम में शुरू करता हूँ उससे पहले एक फोकस करता हूँ मैं कि मुझे ये पांच काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मुझे करने हैं, प्रायोरिटाइज करता हूँ। उसमें सर्विस कंडीशंस, जो ग्राउंड की कंडीशन है जिसमें हमारे जवानों को अपनी सीमाओं को में रहते हैं उनको कंडीशंस को हम ठीक करें, इसके साथ साथ नक्सल LWE एरियाज़ है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो इलाका है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र का कुछ इलाका है, उसके लिए एक विश्वास पैदा करें, जैसे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और ख़ास तौर से हमारी CRPFs हैं उनकी तब एक विश्वास पैदा हो वहाँ की जनता में, उनके और जनता के बीच में एक इंटरेक्शन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री जितेंद्र सिंह आमने सामने में। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच एक नई हस्ती के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।